तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। आज आ गया संडे, एक बार फिर से है समय WWE बायोग्राफीज हिंदी का, और आपके वोट्स के अकॉर्डिंग आज होने वाला है एपिसोड द मैन बेकी लिंच के बारे में, जो कि इस टाइम WWE में वन ऑफ द हॉटेस्ट सुपरस्टार चल रही हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा इस वीडियो पे आप फटाफट से लाइक बटन दबाएं और इसको एंड तक देखते रहें। अब बेकी लिंच के बारे में हम करते हैं बात गाइस। तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी को 1987 में लिमरिक आयरलैंड में। इनका असली नाम है रिबेका क्विन, और इनके पेरेंट्स एक दूसरे से तभी सेपरेट हो गए थे जब बेकी लिंच एक साल की थी। बेकी लिंच ने अपनी काफी छोटी उम्र से ही रेसलिंग देखनी स्टार्ट कर दी थी अपने छोटे भाई रिची के साथ, और इनके ब्रदर कुछ देर बाद जाकर रेसलिंग में लड़े भी, और उनका नाम होता था गोंजो डी मोंडो। अब गाइस जहां तक एजुकेशन का सवाल है, तो बेकी लिंच अपने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में फेल हो गई थी, और 17 साल की उम्र में ही इन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी क्योंकि इनको बिल्कुल भी वो पसंद नहीं था। अब बात करते हैं इनके इंटरेस्ट और रिलेशनशिप की गाइस। तो सबसे पहले तो बेकी लिंच को बास्केटबॉल खेलना और स्विमिंग बहुत पसंद है। इनके फेवरेट रेसलर्स हैं सेथ रॉलिंस और फिन बैलर, जबकि इनका फेवरेट फूड है चीज टोस्ट। अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप की गाइस। तो फरवरी 2016 में ये लूक सैंडर्स, जो कि एक एमएमए फाइटर थे यूएफसी के लिए, उनके साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन अगर रूमर्स को सच माना जाए तो अप्रैल 2018 में ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे। अब बेकी लिंच के WWE करियर से पहले की करते हैं बात गाइस। तो सिर्फ 15 साल की उम्र में इन्होंने अपने भाई के साथ एक रेसलिंग स्कूल ज्वाइन करा, जो कि फिन बैलर पॉल ट्रेसी नाम के एक बंदे के साथ मिलकर चलाते थे। बेकी लिंच ने भी बहुत बार बोला है कि अल्कोहलिज्म उनकी एक गलत आदत थी, और रेसलिंग बिजनेस में आने की वजह से उनकी वो गलत आदत छूट गई थी। अब 5 महीने यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद क्विन ने अपना प्रोफेशनल डेब्यू करा, और उनका यहाँ पे नाम होता था रिबेका नॉक्स। इन्होंने NWA UK हैमरलॉक नाम के एक प्रमोशन से भी ट्रेनिंग ली, और उसके बाद अपने भाई के साथ ही एक मिक्स टैग टीम बना के दोनों लड़ा करते थे। काफी सारे रेसलिंग कॉन्टेस्ट जो कि आयरलैंड में होते थे उनमें भी ये पार्ट लिया करते थे। इसके बाद बेकी लिंच ने अपना जो एरिया था थोड़ा बढ़ाया, और ये यूरोपियन सर्किट्स में भी जाके परफॉर्म करने लगी थी। इन्होंने कैनेडियन प्रमोशन सुपर गर्ल्स रेसलिंग को ज्वाइन करा, जो कि एक ऑल फीमेल प्रमोशन थी, और वहां पे ये उनकी सबसे पहली सुपर गर्ल चैंपियन बनी। इस टाइटल को इन्होंने 10 महीने तक डिफेंड करा गाइस। अब क्विन ने इसके बाद क्वींस ऑफ केओस प्रमोशन ज्वाइन करी, जो कि फ्रांस में थी, और वहां पर ये वर्ल्ड क्वीन ऑफ केओस चैंपियनशिप जीती साल 2006 में। अब सितंबर 2006 में गाइस जर्मनी में एक मैच लड़ते हुए बेकी लिंच को एक बहुत बड़ी हेड इंजरी हो गई थी, जिसके बाद इनको देखने में और सुनने में काफी प्रॉब्लम होती थी। ये इंजरी थोड़ी ज्यादा ही सीरियस थी, इसकी वजह से 6 साल तक इन्होंने रेसलिंग बिजनेस से छुट्टी ले ली, और इन पूरे 6 सालों के टाइम में सिर्फ 2008, 2012 और 2013 में इन्होंने ब्रीफ अपीयरेंसेस दी थी फाइट फैक्ट्री प्रो रेसलिंग यानी कि FFPW के लिए। अब हम बढ़ते हैं सीधा अप्रैल 2013 में, जब रिबेका क्विन या फिर बेकी लिंच ने साइन करा 2 ईयर डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद WWE, और इनको वहां से भेज दिया गया था NXT में। NXT में इनका रिंग नेम सबसे पहली बार यूज हुआ बेकी लिंच, और इन्होंने अपने टीवी डेब्यू मैच में समर रे को हराया। उसके बाद इन्होंने बेली पर अटैक करा और साशा बैंक्स के साथ एक टीम बना ली, जिसका नाम था BAE यानी कि बेस्ट एट एवरीथिंग, और इस टीम को साशा बैंक्स ने खुद ही तोड़ दिया था जब एक बेली वर्सेस बेकी लिंच के मैच में साशा ने अटैक कर दिया था बेकी लिंच पे। उसके बाद बेकी लिंच ने डिफीट करा बेली और शार्लेट को एक ट्रिपल थ्रेट मैच में, और उनको नंबर 1 कंटेंडर बनाया गया NXT वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, और साशा बैंक्स के साथ उनका मैच हुआ जो वो हार गई, लेकिन तब भी इस मैच को बहुत ज्यादा प्रेज मिली थी उस समय पर। बेकी लिंच ने अपना मेन रोस्टर डेब्यू करा था गाइस 13 जुलाई को रॉ के उस एपिसोड में, जब स्टेफनी मैकमैन ने आके बोला था कि अब वुमेन्स रेवोल्यूशन आने वाली है WWE में, और शार्लेट और साशा बैंक्स के साथ बेकी लिंच ने भी अपना डेब्यू करा। इसके बाद उन्होंने अपनी एक टीम बनाई PCB, जिसमें पेज इनके साथ थी, और इसका मतलब था पेज, शार्लेट और बेकी लिंच। अब अपने रॉ के डेब्यू में बेकी लिंच हार गई थी नयोमी और साशा बैंक्स की टीम के अगेंस्ट, जब उन्होंने टीम अप करा था पेज के साथ, और इसके बाद सबसे पहली अपनी जो विक्ट्री थी इन्होंने सिंगल्स विक्ट्री ली मेन इवेंट शो पे ब्री बेला के अगेंस्ट। अब 3 टीमें बन गई थी गाइस यहां पे बेला ट्विंस की, एक थी टीम बैड जिसमें साशा बैंक्स, नयोमी और टमीना थी, और उसके बाद टीम PCB, और इन तीनों का मैच हुआ था SummerSlam 2015 में, और ये बहुत ही बेकार मैच था। और आप मानेंगे नहीं कि साल 2015 में रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो ने इनको वर्स्ट फ्यूड ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया था। इस मैच के बाद ही पेज ने अपना हील टर्न कर लिया था PCB पे, और शार्लेट जीत गई थी डिवास चैंपियनशिप, और यहां से बेकी लिंच और शार्लेट के बीच की फ्रेंडशिप जो थी वो थोड़ी कमजोर होने लग गई थी। इसके बाद शार्लेट ने इवेंचुअली हील टर्न कर लिया था बेकी लिंच पे, जिसके बाद उन दोनों की आपस में फ्यूड चालू हुई। इन दोनों के बीच में कई सारे मैचेस हुए गाइस, लेकिन बेकी लिंच वो नहीं जीतने में सक्सेसफुल हो पाई क्योंकि
हमेशा रिक फ्लेयर अपनी बेटी शार्लेट की हेल्प करते थे। अब रेसलमेनिया 32 में गाइस WWE ने डिवास चैंपियनशिप को चेंज करके बना दिया था विमेंस चैंपियनशिप, जो कि लीटा ने रिवील करी थी, और उस समय हमें मैच देखने को मिला था साशा बैंक, शार्लेट और बेकी लिंच के बीच में, जो कि शार्लेट जीत गई थी। अब उसके बाद बेकी लिंच को स्मैकडाउन पर ड्राफ्ट कर दिया जाता है और बैकलैश में बेकी लिंच एक सिक्स पैक चैलेंज मैच जीतती है, जिसमें वो लास्ट में कार्मेला को एलिमिनेट करके फर्स्ट एवर स्मैकडाउन विमेंस चैंपियन बन जाती हैं। अपने इस टाइटल को 84 डेज तक रिटेन करने के बाद TLC में एक टेबल्स मैच में ये अलेक्सा ब्लिस के अगेंस्ट अपना टाइटल हार जाती हैं, और उसके बाद इनकी अलेक्सा के साथ फ्यूड चलती है गाइस। लेकिन तब मिकी जेम्स वापस आ जाती हैं WWE में और वो अलेक्सा ब्लिस को हमेशा अपना टाइटल रिटेन करने में हेल्प करती हैं। अब रॉयल रंबल में बेकी लिंच ने पार्ट लिया था गाइस 2018 में, जब वो नंबर 2 पर आई थी और 30 मिनट से भी ज्यादा उन्होंने उस मैच में बिताए, लेकिन रूबी रायट ने उनको एलिमिनेट कर दिया था। फिर रेसलमेनिया 34 में गाइस बेकी लिंच ने भी पार्टिसिपेट करा था विमेंस की बैटल रॉयल में, जो हमें देखने को हर साल मिलती है, और उसके बाद मनी इन द बैंक में इन्होंने पार्ट लिया, जहां पे वो मैच अनफॉर्चुनेटली अलेक्सा ब्लिस जीत गई थी। अब टाइम आया इस मनी इन द बैंक के बाद, जब बेकी लिंच ने एक विनिंग स्ट्रीक हासिल करी और समर स्लैम में इनका मैच हुआ कार्मेला और शार्लेट के साथ एक ट्रिपल थ्रेट, जिसको एक बार फिर से शार्लेट जीत गई। इस मैच के बाद बेकी लिंच ने अटैक करा शार्लेट फ्लेयर को, और सबसे पहली बार ऐसा हुआ उनकी हिस्ट्री में कि WWE में वो एक हील बन गई थी। अब बेकी लिंच के हील टर्न करने के बावजूद सबको लग रहा था कि उनको हेट मिलनी चाहिए, लेकिन क्राउड ने बिल्कुल ऑपोजिट रिस्पॉन्स दिया और सबको उनका ये हील टर्न बहुत ज्यादा पसंद आया और लोग बेकी को और भी ज्यादा चीयर करने लग गए। इस वजह से WWE को अपनी स्टोरी लाइन में थोड़े से चेंजेस करने पड़े और हेल इन अ सेल में शार्लेट को उन्होंने हरा दिया और वो सेकंड टाइम बन गई थी स्मैकडाउन की विमेंस चैंपियन। इसके बाद इन दोनों के बीच में 3 और मैचेस हुए गाइस, जब आखिरी मैच जो एवोल्यूशन फर्स्ट एवर विमेंस पेपरव्यू में हुआ, वहां पे बेकी लिंच ने शार्लेट को हराया, और उसके बाद से ही गाइस ऐसा मोमेंट आया जब से वो अपने आप को द मैन बुलाने लग गई। और उसके बाद तो हम जानते हैं सर्वाइवर सीरीज में उनका मैच होना था रोंडा राउजी के साथ, लेकिन वो इंजर्ड हो जाती हैं, वहां पे उनको शार्लेट फ्लेयर रिप्लेस कर लेती हैं, और वो ही शुरुआत थी सबसे पहले विमेंस मेन इवेंट की, जो अब हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 35 में बिटवीन शार्लेट फ्लेयर, रोंडा राउजी एंड बेकी लिंच, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा। तो गाइस ये थी स्टोरी बेकी लिंच की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।